आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बहुमत हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी को एमसीडी में फिर से अपना मेयर बनाने का फॉर्मूला मिल गया है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली का सीएम बनने के बाद यह पहला मौका है जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन केजरीवाल ने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया है। नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि एमसीडी में उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुमत से सिर्फ 8 सीटें ज्यादा जीत पाई है। ऐसे में मेयर बनाने का असली खेल तो अब शुरू होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ भी सकती है। नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के साथ ही एमसीडी की लड़ाई खत्म होती नजर आ रही है। यहाँ सीटों की संख्या बहुत मायने रखती है। अगर आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से 20 से 25 सीटें ज्यादा पाती है तो पुख्ता तौर पर माना जाता है कि इस बार एमसीडी में इसी पार्टी की सरकार होगी। लेकिन यहाँ केजरीवाल की पार्टी को बहुमत से सिर्फ 8 सीटें ही ज्यादा मिली है। ऐसे में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्षदों के ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। बीजेपी जब विधानसभा चुनाव के बाद दल बदल कानून के रहते हुए भी पर्दे के पीछे होने वाली राजनीति के जरिए सरकार बना सकती है, तो एमसीडी का किला बनाए रखने में उसको रणनीतिकारों को, पार्षदों को अपने पाले में जुटाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि पार्षदों पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, वहीं 12 पार्षदों को दिल्ली के LG नॉमिनेट करते हैं, जो संभवतः बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। पार्षद किसी भी पार्टी से जीते हो, मगर मेयर के चुनाव में वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं। इसका हालिया उदाहरण चंडीगढ़ निगम का चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन मेयर के चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी। ज्यादा पार्षद होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ निगम पर कब्जा करने में नाकाम रही थी। ऐसे में अब एमसीडी में भी बीजेपी वही चंडीगढ़ वाला खेल करने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मेयर बीजेपी का ही होगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में नंबर पकड़ सकता है, मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने भी एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनने का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेयर हमारा 15 साल की सत्ता के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा और दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग 12% गिर गया। मतलब बीजेपी अब अपने चंडीगढ़ वाले फॉर्मूला के तहत इस बार एमसीडी में अपना मेयर बनाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी अगर 25 से 30 सीट और जीतने में कामयाब होती तो मामला कुछ और होता, लेकिन फिलहाल केजरीवाल के लिए अपना मेयर बनाना मुश्किल हो सकता है। ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है और यही वजह है कि बीजेपी के मेयर पद पर दावा ठोकने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हारने के बाद भी बीजेपी अपना मेयर बनाने का दावा कैसे कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।